चश का भा अरे दादा नौकर बना ले का रहा सठान कह थे के छास अरे बाप अरे दादा जी अरे बासी रोटी लिया जात रहा है हमका भैया बासी रोटी ना लेके जाओ हमरे सेठ बासी रोटी खात नहीं है हमका भैया पानी ले आओ और हम नहा ले और ताजा रोटी बना दी तब ले जाओ अरे दादा पनिया लेके आओ हम नहाए बैठे तो शान कर दादा कैसे कैसे बैठ हम हर कर हम कर दे दे दादा इहो कादर तो नहीं लेके है इनका भैया ये तेरा उम्र होइगा नहाए खोजा तो मैं नंगी नहाए ले जाओ इनका टोपे ना कपारे बैठाओ विक्रम क्यों रे तू दर्द की ठोकर खा रहा था और हमने रहम करके तुझे जब नौकर रख लिया अब खा पी करके पट्टा हुआ तुझे जरा सा नहीं दिखाई दिया आज मैं सठैली के ऊपर चढ़ गया अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो आप मैं कभी भला ऐसा कर सकता हूँ आखिर धोखा था जब साला दुबला था पतला था चलने के लिए तरस रहा था नौकर रख लिया अब ये खा खा के पट्टा हो गया तब सठाई के ऊपर चढ़ गया था विक्रम कि भाई के बढ़ करके और तुमको माना था मैं आप ही कह रहे हैं इनके बातों पर विश्वास कर रहे हैं हाँ कौन मैं पकड़ रहा हूँ विश्वास बता रहे हो साले तरु सर जी सुनो हमारी बात लगाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती है ये तुम्हारी गंदी जुबान कट कट कर जाएगी सर जी ऐसे करते हो इनका पर विश्वास करो हमारी गंदी जुबान है कौन मैं पकड़ रहा हूं बिल्कुल चबता ही रहा सर ऊपर देखो तब तो विश्वास ना थे सारे आओ बताओ थे मेहरू आज अच्छा विश्वास करी बोल हाथ डबोल दे तो देख रहे हो ये मेरी गृह लक्ष्मी और झूठ बोले नहीं सेठ जी आप राजा के पास ले चलोगे कौन से राजा राजा तत्काल के हाँ तत्काल सिंह के हाँ ठीक है सेठ जी हम चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक बात हमारी आप ही सुन लीजिए सच्चा सच्चा इंसाफ के बात पर था मुनीम से हमरे पूछो कि हमरे
महाराज सतपाल जौन है वो दूध और पानी बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। भैया मुनीम सुनो हमारी बात, जैसे पानी लाए भर दिन, अच्छा ये कहें कि पनिया लाए हम कहाँ लान है, तो ये कहें नहाई तो हम कहा जल्दी नहा लियो और रोटी बना दियो और सेठ जी भूखे चला गए हैं जय हम खाना दे आई जाए, अच्छा तब कहें रुका रहो नहा ली, तब कहें कि हिया कमरम तब बलाइन आए बुलाइन ते के अपना लेट गई हमें लेटा ली तब शोर मचाई तब आप लोग आए हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। तो हर हालत हम कम से कम होएगा जो उन्हें 20-22 साल हो कैसा कई चक्कर तो लेटा हमें एक तो चक्कर नहीं लेटा ये ज्यादा करंदार है इनका ये बबुरक जरस घूमत है इनका ज्यादा मोहित हो गई और सखन भक्ति सठाइन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी हथकड़ी खुलवा दीजिए। हथकड़ी खुलवा कौन बात है, हमने देख लिया चिड़िया चरित्र, ये तो हमारे देखने बैंक है, हमने देख लिया बहुत चिड़िया चरित्र लेकिन देख लिया हमारी हथकड़ी खुलवा दीजिए। हथकड़ी खुलवा क्या बात है, जो हम रहता तब चुराएल का हर दुकान पर हल्ला कर लिया था करे यार वही भौजी बौड़ी साढ़ घर घूमत है तेरे ऊपर मरी गई राम पर भौजी तो है हम मिर्चा भरी थी ये वो इंसान है कि दर दर की ठोकरें खा रहा था, हमने रहम करके इसे नौकर रख लिया और जब खा पी करके पट्टा हुआ तकादा कमरों से छाई के ऊपर चढ़ गया। इतनी बड़ी हरकत कहाँ कही हो, सच कहते हो मुनीम, हमने बताई है मुनीम सही सही सत्य है क्यों मुसाफिर, ये बताओ सच में लूटा है तूने मोहिनी के ईमान। महाराज लूटा तो लूटा ना लूटा तो लूटा, हथकड़ी हाथों में लेकिन मुलजिम कायम है। मैंने आपका बहुत नाम गांव सुना है, मैंने सुना है कि आप दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देते हैं। महाराज अब ये फैसला आप ही कीजिए। हम कैसे करेंगे, कोई सबूत है तुम्हारे पास? महाराज सबूत हमारे आप ही हो। हम कौन तुम्हारे साबूत? महाराज आप पिछली बात को याद करिए कि आप कौन थे, मैं कौन था, कैसे तुमको ये ताज तखत और ये राजपाट दोबारा कैसे मिला? इस समय इसमें अगली पिछली बातों का कोई अधिकार नहीं है। ये बताओ ऐसी हरकत करने वाले इंसान को हमारे इस दरबार में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। जल्लाद क्या हुकुम है? जल्लाद ये वो इंसान है जो मोहिनी के ईमान को बर्बाद किया है, ले जाओ इसको बियाबान जंगल में, इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और एक हाथ इसके काट लो, भूखा प्यासा जंगल में भटक के मर जाएगा, अपने करने का किया हुआ फल ये पा जाएगा। ले जाओ महाराज सतपाल के, महाराज सतपाल के, महाराज सतपाल के। चलो मुनीम चलिए। क्या तुमने ऐसा कर्म किया है? भैया किया तो किया, ना किया तो किया, ये आज ये महाराज सतपाल आज हमें पहचान न सके, इनके दरबार में आया और इनका सन की दशा हमने दूर किया था और इनकी
बेटी राजकुमारी को केत नाम का दंत उठा ले गया था, मैं उसकी जान इज्जत बचाया था, लेकिन आज इनके दरबार में आया तुम्हारे साथ ये सलूकत किया। नेकी करते हो तो अच्छी पति मिलती है, और दई निर्दयी बन गई हाय बिना तकसीर। और नेकी करते हो पति और फूट गई तकदीर, और मेरे जगदीश तू देखता है, मेरे जगदीश तू देखता है, देखता हूँ न मेरी खता है, मेरे जगदीश तू देखता है, देखता हूँ न मेरी खता जा तुम सेठ का बनाए लाओ सेठ भैया का। हाँ आराम है, हम तो आराम है, और कोनो बात तब का है बोला, हमें और कोनो बात नहीं तब का है बोला। अरे बलायन है तो बताए तो नहीं है, बताओ और क्या कहूँ कहने में, लगती मुझको शर्म और पापनी पद माने जो किया है, और हर बारेपन में उसने गर्भ धारण कर लिया। चुप चुप चुप, बिल्कुल छुपाए रहे हो मुनिमो, ओ मुनिमो यह कह देखो नान भरे खमार बहिन अगर पाछी गरम फाड़ गई न ब्याह न कहो, यह अंधरान है कहे यही से इनके पेटवा निकल जाएगा है, तो तू हो तो गलत बोल थू, वे बौंडी साड़ हो गई ही नान भरे की, अभी मुन्नी पास हो के आई। हाँ पास हो के आई है तब, और हाय कोने पन में उसने गर्भ धारण कर लिया, कुछ ही दिन में लड़का पैदा होने वाला है, यकरे जैसे हम पसंद है कुछ कंपनी से हो, जब देखो तब ये हमारे कसम खाती है, सोचे थे कि ये जल्दी खत्म हो, कोई घर बैठा बैठा तीरा खाए रहा था। हे सदाई तुहरे बातें कहे हमका येड़ी भरे पानी में नहीं विश्वास है, हमारे बातें नहीं विश्वास, येड़ी भरे कि टिहुनी भरे पानी। अरे का कहे जे ऐसे भल भल ना होते सब का हो, अच्छा तो हम बलाई से दिए। हाँ बलाओ हे बनी, ये काम की हो हम तो इधर धुरु देखी तो तू से हार कर ला दियो। ए बहनी पद्मा, यहाँ बहनी तुहार बिरना महान है, क्या बात है भैया? पद्मा? हाँ भैया। ओए पद्मा कहाँ रहे? चाय बनाओ रहे भैया, चाय बनाओ रहे तो जाओ ना चाय बहा दी, जाओ 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 मिनिमो, हम तो मानो धुरु देखी थे जे आधर हो तो वो जान जाए रे, ये अगवा ज्यादा पिछवा एक रसुआन है। अब ऐसा काम बन गया तो हर कम से कम 5 लाख रुपया बचेगा, बचेगा मामा गड़रा खपुआ झुकड़ी गई और रहा भयो गड़रा सुनाई। एक काम कहो सेठ भैया, बहुत दिन से तुहरे यहाँ रही था, लेकिन भगवान उस दिन लाए हैं तो हमारे ध्यान जो हमें इड़ी जरूर खवायो। ये बताओ कि यहाँ जिला माँ
और बहरेश्वर जिला सिद्धार्थ नगर ये चार चार जिला का महल कोनो बनियन के पंचायत हो रहा हम इन कर रहे बनाए जाते हां और जैसे तनियक नुकुस पाई तैसे दो रोज के भंडारा डबल खखरा डबल जाजिम जुर्माना बोल रहे अब ये बनिया भर हमार कौन गज करी है कौन करना करी है जत्ते बनिया है सब जौन है तोरे मोड़े जूता लगी है लेकिन ये सठाई अब तो बड़ा गड़बड़ भा ये हर कटे और देख कर जल रहा है कुछ बताओ जतन चूमू तेरे माता की काम नहीं करती है अब कोई देखा न हो तो बहुत हार घोड़े फाट पड़ी कौन जतन बताओ सठाई तो हमारे पान न पकड़ो हम बताए थे जतन अब कुल ऋषिया मन कहा था कि नहीं कुपरा उतार दी हमारे ऊपर कहे ये हम तो दुकान कर जाते अपने बहन कह समझाए होते तो आज ये काम ना हुआ अरे तो हम तो दुकाने में रह रहे हैं घर बल्कि यही तो है इनका कुछ घर देखा ही नहीं कि बनत की बिगड़ता है तो बनाइबे कि नहीं तो हर बिगारिन तनखो नहीं कम से कम 10 लाख रुपए बचा और घर बैठे इडली खाओ और चाहते इज्जत बचाना तो करो तकबीर को ले जाकर दरिया में फेंको बांध कर हम सिर को और वरना इज्जत बचे ना तुम्हारी बांध कर पत्थर को फेंको ताकि ना उतरा सके गांव वाले भी ना इसका कुछ पता भी पा सके वरना तुमको भी फांसी साहज उपाय बताओ सठाई ये हमरा समझ में आवत नहीं है कौन साहज उपाय बताई अच्छा हम बताए थे सुनो ये पर हमसे कहत रही कि भौजी हो जहाँ याक होते तहाँ तुम और भैया जाते हाँ, हाँ, हमें कहूँ ले नहीं जाते हो तो तुहरे साथे नहाए के जाए अच्छा नहाए जई हैं और इनका पैदल लेके जायो पैदल हाँ पैदल लेके जायो सवारी शिकारी न थे जो उनको रस्तम खरी है तो लेके खवाई पियाई दी हम भैया खरीद ले पैबे अपने हाथ और यह में रहिए ही हाँ। चलत चलत थक जाबे करिए कहूँ जंगल उंगल पड़ी तो कह दियो बहनी सुता लो तब चली सुता ले गए बस वो जाबे करिए छोड़ के चलाए कोनो लेके चला जाए और नहीं नदी नारम ना बोरे न कोढ़ी आई जा बोरे अब पैदल किधर चलो मुनि मोठ लागा खेत कर तू चले ले आ तू का पैसा बचाव तो है हमें पैसा नहीं चाहिए अच्छा तो तैयारी जाओ हमें कत्ते पूरी सब्जी बना के बांध दियो और इनका एक डगरा लोन बना दियो दे दियो पीस के हाँ वह खा के पानी पी लिया जिंदगी भर नमक वो खाते हैं तो का तैयारी बनाओ लेके जाओ इनका दादा घर घर हमारे पर छुए जाओ भौजी पहलू का सुख करो और घर घर का डरो दुलरुआ दिन भर का हर है नहीं चोटी कमर पे झूले और लंबे लंबे बरवा और देखे
अब मैं क्या बताऊं? मैंने सुनी हूं कि विक्रम बाबू का एक हाथ कटवा लिया गया है और दोनों आंखें फुलवा दी गई है, और मैं इस अवस्था में हूं। मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं, और ये बात मेरे भैया भी जान गए हैं, लेकिन नहीं, मैं घर से भाग जाती हूँ और विक्रम बाबू की तलाश करती हूँ। देखूं कहाँ पे हूँ। अरे नगरी नगरी द्वारे द्वारे, अरे नगरी नगरी द्वारे द्वारे, अरे ढूंढू रे सवारी नगरी, ढूंढू रे सवारी पिया पिया रटते रटते, पिया पिया रटते रटते हो गई जन कुछ कुशल रहा तो हम गड़बड़ा रहे पद्मा घर छोड़ भाग भाग गए। हां हम मोछ कर गए, बताओ काट ना गए। हमें लागे थे कि वही विक्रम और चक्कर कौन गए। चलो है मुनि, चलो है ना जाए, अब जो मिल जाए तो 10 रुपया हम तो ये तो का जान से मारा। 10 रुपया? हां 10 रुपया में कत्ल कर दिया। हां तो यही सनी चली गई है, आओ तो बहन है नहीं नहीं वो चली जाती है। 10 रुपया तो है खाए पे दे दे, पर नौकरी हमरे यहां कर। 10 रुपया में बजबा तो मुकदमा में लगाइबे, मुठियों में लगाइयो मुकदमा मुकदमा। चलो उनका हीरो चले मारो तू। सार कहाँ हुई? कहाँ पद्मा मिली? तो ना सार वहाँ ही मिले और न मुझसे खराब लिख खराब लिख सकता है, लेकिन बताओ जो है हम अत्ते दिन से रहे सेठ गलत निगान आई था क्या कोई कहीं? हाँ तेरे घरे कत्ते दिन रहे? अरे तू लड़का रहो तो बला है ना, गलत निगाह तेरे बहने का ताके ना तेरे सखाई नहीं का ताके। हाँ और ना तुहिन का कबो गलत निगाह। अरे अरे तेरे का करते हैं बात आए बताई था। हाँ सही कहा, धन दौलत तो पैसा चोरी नहीं थे। हाँ कबो देखो हमें कलमबंद सलमबंद के बात अलग है। अरे उधर जो कोई डाकी खोज है कर दे दी। हाँ लेकिन जो उन्हें हम आज तक गलत नहीं किए, देखो ये मिलत नहीं है, बताओ हम कितना हैरान हुए। जितने नहीं मिले थे उतने रिस चढ़ जाते, रिस चढ़ जाते हम। हम मिली हैं तो हम कैसे जी उन्हें हुमकिन दे। अब चलो आइए आगे, वही छाया हो नाम जाना पहचाना नाम दुलजन होटल वाले। दुलजन होटल वाले के तरफ से देखो पद्मा के सीन के ऊपर खुश होकर के ये 60 रुपया आ रहा। पार्टी को धन्यवाद, शुक्रिया। या भगवान, मैं विक्रम बाबू को तो बहुत ढूंढी लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। हो जब याद आए, हो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद दिया
जब याद आए बहुत याद आए। पद्मा, ये देखो, हमारी क्या दशा हो गई तू?
स्वामी जी ये क्या हो गया? अरे देख करिए तुम्हारा हो गई। मैंने तुमसे शादी किया था, तुम्हारी भाभी को जलन हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और लेट गए, खुली डालिया, फिर शोर मचाया, फिर मुनीम आए, सेठ आए, मुझे मारा और ले जाकर महाराज सतपाल के दरबार में पेश किया। उन्होंने हमारी दोनों आंख और एक हाथ कटवा लिया और यह भी ऐलान करवा दिया है कि जो विक्रम को दाना पानी देगा उसको भी यही सजा मिलेगी। तब से मैं भटक रहा हूँ पद्मा। समझी आपकी यह हालत, आपकी एक हाथ कटवा लिया गया और दोनों आंखें भी फुलवा दी गई और मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, यह भगवान ने कैसे सजा दिया है, यह धरती फट जाए जिसमें आज विक्रम समा जाए। ठीक है पद्मा, अगर ये बात है तो हम लोग इस राज को छोड़ देंगे, कहीं और चलकर अपना गुजारा करेंगे। चलो ये राज छोड़ देते हैं। ओ चल उड़ जा रे पंछी की अपने स्वामी जी, ये एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा है जी हाँ। वो राज छूट गया ना? हाँ वो राज छूट गया। ठीक है पद्मा, अब यही हम लोग अपना गुजारा करेंगे। या भगवान इस नगरी को आबाद रखे, इस नगरी के रहने वालों हमेशा खुशहाल हो। ओ झूठे जग की माया बाबू, झूठे जग की माया